पूरे देश में हनुमान महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जगह पूजा पाठ कर भंडारे का आयोजन किया गया है। इसी तारतम्य में दुर्ग भिलाई शहर में भी हनुमान महोत्सव के दिन त्योहार जैसा नजारा देखने को मिला। भिलाई 3 के सिरसा कला में छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य गुरु रुद्र कुमार ने भंडारे का शुभारंभ किया। इस दौरान भिलाई नगर निगम चरौदा के सभापति किशन चंद्राकर और अन्य पार्षदगण भी उपस्थित रहे। बता दें कि आज भिलाई शहर में जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया है। वहीं कई समितियों द्वारा अनेक तरह के व्यंजन परोसे गए एवं रैलियां निकाली गई। हनुमान जी की पूजा अर्चना कर शहरवासियों ने बल बुद्धि के प्रतीक भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और अमन शांति की प्रार्थना की। शिक्षा कला में हर्ष उल्लास के साथ जयंती मनाया जा रहा है। हमारे मंत्री आदरणीय जगतगुरु जी रुद्र कुमार जी आए थे और बाइक रैली गाँव के उत्साह के साथ, और जैसे पहले भाजपा के लोग जय श्री राम बोलते थे, जय श्री राम की नारा अच्छी बात है, आज कांग्रेस दल भी उसको जय श्री राम मिलाए हैं क्योंकि भगवान सभी को बताया, और अच्छी बात है कि कांग्रेस भाजपा दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमेशा ऐसी रहे, भगवान के प्रति आस्था सब का रहे, भाजपा कांग्रेस ना रहे। और हमारे आदरणीय सीएम साहब भी बोले हैं, उसने ही शुरू किया है कि श्री राम सब का है, और उसी उत्साह के साथ सब लोग श्री राम जय श्री राम करके नारा लगाकर हनुमान जयंती मनाए हैं, जिसमें आदरणीय रुद्र गुरु जी शामिल हुए, आदरणीय दुलारी वर्मा जी शामिल हुए, आदरणीय हमारे पार्षद सुषमा जी शामिल हुए, आदरणीय हमारे सुंदरधर जी शामिल हुए, हमारे पार्षद मणिक भाई शामिल हुए, दुर्गा भाई पार्षद शामिल हुए, नानी भाई हुए, ऐसा सब बहुत उत्साह के साथ सब लोग शामिल आए, उसको सब मैं धन्यवाद देता हूँ। जय भारत जय छत्र। गुरु जी का जितना वजन है उतना तौला गया, ऐसा वो 79 हम तो 68 किलो रखे थे, गुरु जी वजन बढ़ गया। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.